जयपुर के चाकसू कस्बे में शील की डूंगरी पर शीतलाष्टमी के मौके पर दो दिन के लिए लक्ष्मी मेले का आगाज हो गया है। शील की डूंगरी पर लगने वाला मेला प्रदेश का सबसे बड़ा लक्ष्मी मेला माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता डंडे खाने का भोग लगाने पहुंचते हैं और माता के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त कर रखे हैं। आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। माता जी को टोकने आए, हमारे बड़े बुजुर्ग मानते थे, कहते थे कि माता निकल जाती है किसी के तो हम माता जी का नाम लेके ठंडी बेड़िया करवाते हैं, करते हैं, ठंडी रसोई चढ़ाते हैं, उससे माता नहीं निकलती, इसलिए क्या है थोड़ा मेरे भी निकल गई थी थोड़े दिन पहले भी। माता जी के हम यहाँ बहुत वर्षों से आते हैं, हमारे पूर्वज भी आते रहते थे, क्योंकि यहाँ माता जी के आने से जो बच्चे बच्चियों के जो बौद्री माता जी जो हो जाती है उसके यहाँ से सफड़ा हुआ जो लेके जाते हैं पानी का उसको लगाने से उससे नींद लालने से मिट जाती है। लाखों आदमी भाग लेते हैं और उसी दिन शील अष्टमी के दिन चढ़ावा भोग चढ़ता है और पूरी चाकसू तहसील के अलावा आसपास की जो तहसीलें हैं और पूरे राजस्थान से लोग इस मेले में आते हैं। मंदिर हजारों वर्ष पुराना है ये, और सर्वप्रथम जब इसका भोग जो चढ़ावा चढ़ता है वो राजा मानसिंह का चढ़ता है। अब आज भी वही है कि जब राजा मानसिंह का जब चढ़ावा जब आता है तो माइक पे आवाज लगती है। मंदिर के नीचे सभी सातों समाज के सभी जितने भी समाज हैं उनकी सभी की समाज की धर्मशालाएं हैं, सब अलग अलग बनी हुई है। वो मेले पे सब अपने प्याव चालू रखते हैं। शेरगढ़ कस्बे समेत उपखंड क्षेत्र में धार्मिक परंपरा के मुताबिक शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन घरों और मंदिरों में शीतला माता की प्रतिमा स्थापित करके ठंडा भोजन चढ़ाया गया। इस दिन घरों में चूल्हे जलाने की भी परंपरा नहीं है, लोगों ने ठंडा खाना प्रसाद के रूप में चढ़ाकर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक कम्युनिटी होम के पास बहुत बड़ा सिंक होल यानी गड्ढा बन गया है। यहां के टेरपोन स्प्रिंग के पास बने इस विशालकाय सिंक होल की डर से दर्जनों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। 60 फीट चौड़े इस सिंक होल की वजह से यहां से गुजर रही सीवर पाइपलाइन और सड़क को भी काफी नुकसान पहुंचा है।